Good morning. Today we will discuss about pointer to derive class. Last class में हम लोग pointer के बारे में we have already read. Okay. तो pointer क्या है हमें पता है. Pointer basically क्या होता है? एक variable है जो कि दूसरे variable का address hold करेगा. जिसका address वो hold करता है उसको वो point करता है. ठीक. तो हम लोग क्या पढ़े थे? Int star ptr, float star ptr ये सब हम पढ़ चुके थे. मतलब int asterisk ptr मतलब pointer to an integer variable. यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे? Pointer to derived class object. मतलब we will use the concept of inheritance and pointer both here. ठीक है ना? तो single inheritance तो हमें पता ही है. हम एक base class बनाएंगे और एक derived class बनाएंगे. तो हम क्या किए? एक base नाम का class बना लिए जो कि हमारा base class ही है basically. इसमें हम public part में एक integer b variable ले लिए और एक show नाम का function define किए which will print the value of b जो कि b के value को print करेगा. इसके बाद हम क्या किए? एक simple derive नाम से एक दूसरा class हम यहाँ पे बनाए हैं which is inherited from the base class. तो यहाँ पे हम लिखे हैं colon public base. ठीक है ना? अभी क्या होगा? base class से ये integer b variable और show फंक्शन दोनों चीज को डिराइव क्लास इनहेरिट करेगा क्योंकि ये दोनों पब्लिक पार्ट में डिफाइन है. तो दोनों यहाँ पे एक्सेसिबल हैं. इसके बाद डिराइव क्लास में हम इंटीजर डी नाम का एक वेरिएबल लिए हैं और यहाँ पे हम वॉइड शो नाम का भी एक फंक्शन लिए. अब यहाँ पे जो बेस क्लास में जो फंक्शन था शो नाम का वो सिर्फ बी को प्रिंट कर रहा था. डिराइव क्लास में जो शो नाम का फंक्शन है इट विल प्रिंट बोथ बी एज वेल एज डी. ठीक है ना? इसके बाद हम क्या किए? मेन फंक्शन डिफाइन किए एंड मेन में हम एक पॉइंटर बनाए. पॉइंटर का नाम हम लिए बी पी टी आर. एस्ट्रिक डिनोट्स इट इज अ पॉइंटर. पॉइंटर टू बेस क्लास ऑब्जेक्ट. ठीक है? तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है बी पी टी आर क्या है. इट इज अ पॉइंटर टू बेस क्लास ऑब्जेक्ट. और एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो बेस क्लास का बेस मतलब जो पॉइंटर बेस क्लास टाइप का जो पॉइंटर होता है इट कैन ऑल्सो पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास. सो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि बेस क्लास पॉइंटर कैन ऑल्सो पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास. तो यही मेन चीज हमें यहाँ पे याद रखना है. ठीक है? अब देखो हम क्या किए? दो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, एक बेस क्लास का और एक डिराइव क्लास का, और देखेंगे ये पॉइंटर कैसे वर्क करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाए बेस क्लास का बी वन. ठीक. सो दिस इज सपोज आवर बी वन. ये हमारा बी वन ऑब्जेक्ट है जिसमें दो चीज रहेगा. बी बोल के वेरिएबल है और शो नाम का फंक्शन है. ये बी बोल के वेरिएबल है और एक शो नाम का फंक्शन. ठीक है? अब हम क्या किए? B1 का जो एड्रेस है वो हम BPTR में स्टोर कर दिए. एड्रेस ऑफ B1 को हम क्या किए? BPTR में स्टोर कर दिए. तो BPTR सपोज ये एड्रेस 100 है तो BPTR जो पॉइंटर है हमारा यहाँ पे 100 आएगा. ये B1 को पॉइंट करेगा. अब हम क्या करेंगे? इस पॉइंटर के थ्रू B वेरिएबल को और शो फंक्शन को एक्सेस करेंगे. देखो जब भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? बी वन. बी वन के थ्रू जब हम बी को एक्सेस करेंगे तो हम लिखेंगे बी वन डॉट बी और शो को कॉल करने के लिए हम लिखेंगे बी वन डॉट शो. बट जब हम पॉइंटर के थ्रू करते हैं तब हम ये ऑपरेटर यूज करते हैं. ये जो एरो दिख रहा है ये डैश और ये ग्रेटर देन साइन, ये एरो ऑपरेटर का हम यूज करेंगे. तो हम यहाँ पे क्या किए? बी पी टी आर एरो बी इक्वल्स टू 10. मतलब बी में हम 10 स्टोर कर दिए. एरो क्यों लगा है? क्योंकि ये पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं. अगर ऑब्जेक्ट नेम दैट इज बी वन के थ्रू एक्सेस करते तो डॉट ऑपरेटर लगता. पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर रहा है इसलिए एरो लगा है. अब हम इसके बाद क्या करेंगे? शो फंक्शन को कॉल करेंगे. तो ये हम यहाँ पे देखो बी पी टी आर एरो शो मतलब पॉइंटर से हम शो फंक्शन को कॉल किए. तो अब क्या होगा? कौन सा शो फंक्शन कॉल होगा? ऑब्वियसली ये जो हमारा बेस क्लास वाला शो फंक्शन है वो फंक्शन कॉल होगा. ठीक है ना? इसमें यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ये शो फंक्शन कॉल होगा. क्यों? क्योंकि सिंपल है. इट इज यहाँ पे हम जो हमारा बी पी टी आर है वो बेस क्लास की ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है इसलिए बेस क्लास वाला शो फंक्शन कॉल होगा. ये शो फंक्शन क्या करेगा? इट विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी. तो बी में हम क्या वैल्यू स्टोर किए थे? 10. तो जैसे हम शो फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे पहले आउटपुट में क्या आएगा? पॉइंटिंग टू
बेस ऑब्जेक्ट पहले ये लिख के आएगा, उसके बाद जैसे ही शो फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पे b इक्वल्स टू बोल के b की वैल्यू जो कि 10 है ये प्रिंट हो जाएगा, b इक्वल्स टू 10 ये प्रिंट होगा। इसके बाद हम क्या किए, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। यहाँ पे हम डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए जिसका नाम है d1, ठीक है। तो ये उसके बाद d1 का जो एड्रेस है वो हम bptr में स्टोर कर दिए। इसका मतलब ये है कि ये सपोज है हमारा d1 ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास, इसका एड्रेस सपोज 200, ये आ गया bptr में। तो bptr विल नाउ पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास, ठीक है। अभी तक ये बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, अब ये डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे d1 में क्या क्या है, एक b है एक d है, b जो कि ये इनहेरिट करेगा बेस क्लास से और d इसका खुद का है और शो फंक्शन है, ठीक है। अब देखो जब हम bptr arrow d इक्वल्स टू हम क्या कर दिए यहाँ पे 20 कर दिए, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि bptr arrow d, ये d को ये लाइन अगर हम रन करेंगे, रन करके देखना, दिस लाइन विल गिव एन एरर, और ये क्या एरर देता है ये हमें ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो इस लाइन को लिख के हम प्रोग्राम को रन नहीं कर पाएंगे, तो प्रोग्राम को एरर फ्री करने के लिए इसको हमें कमेंट बनाना पड़ेगा। फिलहाल हम ये बता दे रहे हैं कि व्हाई इट विल गिव एन एरर। ये जो bptr पॉइंटर है ये पॉइंटर पॉइंट किसको कर रहा है, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को, लेकिन इस पॉइंटर का टाइप क्या है, ये पॉइंटर जो है ना, ये देखो यहाँ पे लिखा है दिस इज अ पॉइंटर टू बेस क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए इस पॉइंटर के थ्रू हम सिर्फ वो वेरिएबल या वो फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं जो कि बेस क्लास में है, डिराइव क्लास का जो खुद का वेरिएबल या फंक्शन है उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो d है ये d डिराइव क्लास का खुद का है, इसीलिए इस d को हम बेस b पॉइंटर के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई इट विल गिव एन एरर। तो एक बार इसको आप बिना कमेंट करके चला के देखिएगा क्या एरर आता है, उसके बाद इसको आप कमेंट करके प्रोग्राम को चलाइएगा। उसके बाद हम क्या किया, सी आउट पॉइंटिंग टू डिराइव ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा पॉइंटिंग टू डिराइव ऑब्जेक्ट, क्यों, बिकॉज नाउ bptr इज पॉइंटिंग टू द डिराइव ऑब्जेक्ट d1। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या किए, bptr के थ्रू शो फंक्शन को कॉल किए। सो अगेन द क्वेश्चन इज कि विच शो फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे मैं पहले ही बताई हूँ, जो ये बेस पॉइंटर है इट नोज अबाउट द शो फंक्शन ऑफ द बेस क्लास ओनली, डिराइव क्लास में जो शो फंक्शन है इसके बारे में bptr को नहीं पता, तो bptr जो है बेस क्लास वाला शो फंक्शन को ही कॉल करेगा, ठीक। तो यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे b को इनिशियलाइज नहीं किए, तो हम यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि bptr arrow b equals to suppose 30, तो ये 30 हो जाएगा। और ये शो फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो ये शो फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे लिख के आ जाएगा b इक्वल्स टू 30, ठीक, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हम क्या किए, उसके बाद हम लोग एक पॉइंटर बनाए dptr विच इज अ पॉइंटर टू डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट। तो क्या डिफरेंस है bptr और dptr में, जो bptr था वो बेस क्लास का जो पॉइंटर था, ठीक है, और जो हमारा dptr है वो डिराइव क्लास टाइप का पॉइंटर है, मतलब वो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो फिर से हम सपोज एक डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिए यहाँ पे, वही हमारा d1 हम फिर से बनाते हैं, मान लो यहाँ पे b है यहाँ पे d है और ये शो फंक्शन है। तो b में हम क्या स्टोर किए थे, ये जो हमारा d1, ये d1 तो पहले से ही बना हुआ है ना, तो d1 में b में हम 30 को स्टोर किए थे, यहाँ पे 30 है। फिर हम क्या किए dptr के थ्रू d में हम 40 स्टोर कर लिए। नाउ सी दिस लाइन इज नाउ वैलिड, अर्लियर आई टोल्ड दैट हियर दिस लाइन इज नॉट वैलिड बट हियर इट इज वैलिड, व्हाई, अगेन बिकॉज dptr इज अ पॉइंटर टू डिराइव क्लास, ये क्योंकि डिराइव क्लास का पॉइंटर है इसलिए डिराइव क्लास में जो भी वेरिएबल्स है सबको ही एक्सेस कर सकता है। अब देखो डिराइव क्लास में क्या क्या है, डिराइव क्लास इनहेरिट कर रहा है यहाँ से बी को और उसका खुद का डी है, ठीक है ना, और उसका खुद का शो फंक्शन है, सबको ये dptr एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना।
तो इसीलिए डी पी टी आर के थ्रू हम डी को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसके बाद जब हम डी पी टी आर के थ्रू शो फंक्शन कॉल करेंगे, कौन सा शो फंक्शन कॉल होगा? अब बेस क्लास वाला नहीं, डिराइव क्लास वाला जो शो फंक्शन है वो कॉल होगा। मतलब अब जब हम डिराइव क्लास का पॉइंटर बना लिए तो हमारा जो ये डिराइव क्लास वाला शो फंक्शन था ये कॉल होगा। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, बी की और डी की वैल्यू दोनों प्रिंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे लिख के आएगा b इक्वल्स टू 30 एंड d इक्वल्स टू 40। ठीक, तो इसमें हम क्या सीखे, हम लोग देखें कि जो बेस क्लास पॉइंटर होता है वो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट कर सकता है एंड द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव क्लास। बट यह है कि जो वेरिएबल्स डिराइव क्लास में बेस क्लास से आ रहा है सिर्फ उसी वेरिएबल या फंक्शन को हम बेस क्लास की पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। जो डिराइव क्लास के खुद के वेरिएबल्स या फंक्शन है उसको हम बेस क्लास की पॉइंटर के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम डिराइव क्लास का पॉइंटर बना सकते हैं एंड दैट पॉइंटर कैन एक्सेस टू द वेरिएबल्स एंड फंक्शंस ऑफ द डिराइव क्लास। थैंक यू।